हीरोज ऑफ द बाइबल। पवित्र बाइबल में से हमारे आज के हीरो हैं इसहाक। प्रार्थना भवन टीवी देख रहे सारे दर्शकों को जय यीशु मसीह के। प्यारे दर्शकों, हमारे इस आज के एपिसोड में हम देखेंगे हमारे आज के हीरो इसहाक के बारे में। इसहाक जो अब्राहम का इकलौता बेटा था, और परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि अपने इकलौते बेटे को मेरे लिए बलि चढ़ा। इसहाक को हम बलिदान का मेमना भी कह सकते हैं, क्योंकि इसहाक के कारण ही परमेश्वर को अब्राहम की उस वफादारी का और उसके ऊपर जो अब्राहम का विश्वास है उसके बारे में प्रमाण मिलता है। तो आइए आज हम इसहाक के उन खास तथ्य के बारे में देखेंगे। बाइबल में इसहाक इसलिए जाने जाते हैं क्योंकि वह परमेश्वर का वादा किया हुआ पुत्र है जो अब्राहम और सारा को बुढ़ापे में मिला। वह इज़राइल के महान संस्थापक पिताओं में से एक है। इसहाक के बारे में हम पवित्र बाइबल में उत्पत्ति की किताब में से अध्याय 17 से लेकर 28 तक, 31 और 35 में पढ़ सकते हैं। पवित्र बाइबल के बाकी हिस्सों में जब भी परमेश्वर के नाम का जिक्र आया है वहां अक्सर अब्राहम, इसहाक और यकूब का परमेश्वर कहकर संबोधित किया जाता है। इसहाक एक अकेला व्यक्ति था जो अपने पूरे जीवन में कनान में ही रहा। हालांकि एक बार उन्होंने वहां से जाने की कोशिश करी, लेकिन परमेश्वर ने दर्शन देकर इसहाक को कनान छोड़कर मिस्र देश ना जाने के लिए कहा और इसहाक से वादा किया और कहा, मैं तेरे साथ रहूंगा, तुझे आशीष दूंगा और तेरे उत्तराधिकारियों को ये सारी जमीन दूंगा जिसे देने की मैंने तेरे पिता अब्राहम से शपथ खाई है। प्रियजनों, जब परमेश्वर ने अब्राहम को चुना तो उससे कहा, अब्राहम अपना देश, अपने कुटुंबियों, अपने माता पिता को छोड़ मेरे पीछे हो ले और मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। और वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने उससे ये शपथ खाई। 75 साल के बाद जब अब्राहम ने परमेश्वर के पीछे चलना शुरू किया तभी उसकी आयु 75 साल की थी। और वचन में लिखा है कि वो परमेश्वर के पीछे वफादारी से चला और परमेश्वर ने अपनी उस शपथ को जो उसने अब्राहम से खाई थी 100 साल बाद बेटे के रूप में इसहाक को दिया। इसहाक ने परमेश्वर की आज्ञा को माना और उसकी आज्ञाओं का पालन किया। वह रिबका अपनी पत्नी का एक वफादार पति था और यहूदी राष्ट्र का कुलपति बन गया। इसहाक के दो बेटे हुए जिनका नाम यकूब और इसाव था। यकूब के 12 बेटे आगे चलकर इज़राइल के 12 गोत्रों का नेतृत्व किया। परमेश्वर ने इसहाक को बहुत आशीष किया। इसहाक के पास फिलिस्ती राजा अबीमेलक से भी ज्यादा दौलत थी और उसकी खुशहाली के कारण फिलिस्तीन इसहाक के साथ ईर्ष्या करते थे। इसहाक की कुल आयु 180 वर्ष की हुई और वह मर गया और अपने पिता और अपने लोगों के साथ जा मिला।
और इसहाक के दोनों पुत्र इसाव और यकूब ने उसको मिट्टी दी। प्रियजनों, आज हमने इसहाक के जीवन के बारे में देखा। हमने देखा इसहाक अपने पिता और परमेश्वर के प्रति वफादार रहा और वो परमेश्वर के साथ चलता रहा। तो आइए आज हम भी अपने ईमान को पक्का करें और परमेश्वर के वचनों के अनुसार अपने जीवन को बिताएं। सबको जय यीशु मसीह की।